पूरा परिवार मिलकर भोलेनाथ जी को याद करेगा। माता जी जल्दी जल्दी दिखाई नहीं देंगे, बस अब होगी यहीं कहीं, आप ही बुला रहे जी। चरनी देवी, चरनी देवी, ए चरनी, चरनी देवी। यहाँ घर में बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही थी और जो मेरा कैरेक्टर है चंद्र प्रकाश, वो बहुत ही शांत इंसान है और उसको ये लड़ाइयाँ, लड़ाई झगड़े ये सब बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो उसने अभी कुछ दिन पहले माता जी को, उनके मस्तक को ठंडा करने के लिए, उनके सर पर एक बाल्टी पानी डाल दिया था। अब ये बहुत गिल्टी फील कर रहा है, लेकिन घर में बहुत सारी लड़ाइयाँ देख कर इसको ऐसा लगता है कि शायद घर में सब लोग मंत्र का उच्चारण करेंगे तो लड़ाइयाँ कम हो जाएंगी, लड़ाइयाँ बंद हो जाएंगी और सब लोग हंसी खुशी साथ में रहने लगेंगे। तो इसलिए ये इस घर में सबसे मंत्र उच्चारण करवाना चाहता है और पूजा रखना चाहता है, सो दैट सब लोग लड़ना झगड़ना बंद करें, क्योंकि इसके आने के बाद से बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं। वही वो हीट ऑफ द मोमेंट में अम्मा जी चिल्लाने लगी, पैनिक करने लगी, तो इसको कुछ समझ नहीं आया मुझे, तो एक बाल्टी ठंडा पानी उनके सर पे डाल दिया। अब क्योंकि उनसे बहुत छोटा हूँ और उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, तो ही इज़ फीलिंग गिल्टी अबाउट इट कि अपने से इतने बड़े को, और उसके बाद उनको बहुत बड़ा लेक्चर दे दिया था अबाउट आपको कैसे अपना मस्तक शांत रखना चाहिए और हमेशा गुस्सा नहीं होते रहना चाहिए और इतना ज़्यादा उत्तेजित नहीं होना चाहिए, तो ही इज़ फीलिंग गिल्टी, तो इसलिए वो उनसे बार बार माफ़ी मांग रहा है। तो आज अचानक से चरनी देवी के साथ, चरनी देवी से क्यों शुरुआत करनी थी मंत्र की? क्योंकि उनकी आवाज़ दो तीन बार इसने आते जाते सुन लिया है और इसने ये भी नोटिस किया है कि उसको इस घर के लोग बहुत ज़्यादा प्यार नहीं करते और सब लोग उसको काफ़ी दूर दूर रखते हैं, तो ये कोशिश कर रहा है कि उसको थोड़ा कम्फर्टेबल फील करवाए और वो भी फैमिली मेम्बर्स के साथ इन्वॉल्व हो जाए, तो इसलिए वो चाह रहा है कि वो भी इंक्लूड हो सब चीज़ों में, इसलिए उसको सबसे पहले बुलाते।